बच्चों के दिल पर खतरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्टर, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। कोरोना के बाद से देश में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गैर संक्रामक होने के बावजूद भी लोग हार्ट अटैक का लगातार शिकार हो रहे हैं। चिंता की बात यह है कि अब बच्चे भी हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। हाल ही में दौसा में 10वीं का एक छात्र स्कूल की लॉबी में गश खाकर गिर गया। इससे पहले मध्य प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना में भी छात्रों के दिल ने अचानक दगा दे दिया। ऐसे में आइए जानते हैं कि बच्चों में हार्ट अटैक आखिर क्यों बढ़ रहा है और इससे कैसे बचाव कर सकते हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट में बच्चों के दिल पर खतरे। सबसे पहले दौसा जिले के बांदीकुई की ये तस्वीरें देखिए। एक छात्र जो घर से हंसते खेलते स्कूल आता है, उस समय पर स्कूल तो पहुंचता है, लेकिन क्लासरूम में जाने से पहले स्कूल की लॉबी में गश खाकर गिर पड़ता है। ज्योतिबा फुले उच्च माध्यमिक स्कूल के बाकी बच्चे हैरान रह जाते हैं। महज 16 साल की उम्र में भी किसी को हार्ट अटैक आ सकता है क्या? आनन फानन में 16 साल का यतेंद्र को अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्कूल के टीचर्स और दूसरे बच्चे हार्ट अटैक की इस घटना से खौफ ज्यादा हो जाते हैं। एक दिन पहले ही उसने अपना जन्मदिन मनाया था। जब उसकी जांच करी तो उसके अंदर धड़कन वगैरह कुछ थी नहीं, मृत लग रहा था बच्चा। और उसके बाद उसको CPR वगैरह देने की कोशिश करी, पर उसके बाद कोई रिट्रैक्ट नहीं हो पाया। और उसके परिजनों से थोड़ी जानकारी लेने की पूछी तो परिजनों ने यही जानकारी दी कि वो स्कूल गया था, खड़े खड़े नीचे गिर गया। वो समझ के उसको लेके आए थे और उसके बारे में बताया गया था कि उसके पहले से कोई हार्ट की प्रॉब्लम थी। उसके लिए वो 3-4 साल पहले जेके लोन अस्पताल के अंदर 15-20 दिन के लिए भर्ती रहा था। इसके अलावा और किस बीमारी का है और किसी तरह के इलाज का उन्होंने कोई हमको बताया नहीं। इसी बीच ये बात भी सामने आती है कि 4 साल पहले यतेंद्र को हार्ट को लेकर दिक्कत पेश आई थी, जिसके बाद उसे जयपुर के एक अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा था, लेकिन फिर दोबारा कोई समस्या नहीं आई और ना ही डॉक्टर्स ने किसी बीमारी का जिक्र किया था। बड़ा सवाल यह है कि इतनी कम उम्र में बच्चे की मौत क्यों हुई? हालांकि परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया है, ऐसे में मौत के वास्तविक कारण तो सामने नहीं आ पाएंगे, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि यह मौत हार्ट अटैक से हो सकती है। आशीष शर्मा, News18, दौसा। राजस्थान में बच्चे की हार्ट अटैक से मौत का कोई पहला मामला नहीं है। कुछ महीने पहले भी मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना समेत दूसरे राज्यों में 15 साल से छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आने की खबरें आई थी। इनमें ज्यादातर बच्चों की मौत हो गई थी। बच्चों के दिल पर अचानक बढ़े इस खतरे ने चिंता बढ़ा दी है। हमने परिजनों की परेशानी को लेकर चाइल्ड स्पेशलिस्ट से लेकर हार्ट स्पेशलिस्ट से बात की, ताकि बच्चों को दिल पर अचानक पड़े इस खतरे से बचाया जा सके। इससे अपने को डरना नहीं है, इससे अपने को एक्चुअली लड़ना है। डरना इसलिए नहीं है क्योंकि इसका हमारे पास आज की डेट में एडवांस साइंस में उपाय है। उपाय ये होता है इसका कि अगर आपके आसपास आपको ये जरा सा भी कोई ऐसा महसूस होता है कि इंसान है जिसका आपको धड़कन वो फील करता है, पेल्पिटेशन जिसे हम बोलते हैं ज्यादा है, या फिर हम ये महसूस करते हैं कि उसकी कभी बेहोशी जैसा उसको महसूस हुआ हो या फिर पूरा बेहोश हुआ हो, तो इसका एक एडवांस्ड कार्डियक चेकअप होता है जिसमें हम उनकी दिल की धड़कनों के लिए एक होल्टर नामक मशीन होती है, 2D इको ट्रेडमिल टेस्ट इत्यादि ये कराते हैं, जिससे कि अपने को एक लगभग अंदाजा ये लग जाता है कि ये क्या ये बीमारी से ग्रसित हैं या फिर ये बीमारी से ग्रसित नहीं है। बचने का इसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपको ये शुरू से हल्का सा भी आभास हो रहा है तो आप इसमें हिचकिचाए नहीं कि ये मुझे हल्के में लिया जाएगा। आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जरूर जाएं, उनसे टेस्ट ये बताएं कि अपनी ये प्रॉब्लम है, वो आपके ऊपर टेस्ट्स करवाएंगे। छोटे से छोटी भी उम्र इससे अलग नहीं होती, ये जेनेटिक भी हो सकता है। बच्चों में हार्ट अटैक के लक्षण: चक्कर आना, छाती में दर्द, सांस लेने में तकलीफ होना, थोड़ा चलने पर सांस फूल जाना, होठों के पास नीले निशान का होना। इसके मुख्यतः कारण है, हमारा पहला कारण सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना होना,
दूसरा कारण है फैटी फूड्स का एक्सेसिव कंजप्शन, जैसे कि बाहर का फ्रोजन फूड या फास्ट फूड, इसका कंजप्शन ज्यादा बढ़ गया है। तीसरा कारण है मोबाइल का एडिक्शन, जिससे कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा सेडेंटरी हो गई। अपने बच्चों को कोशिश करना है कि हमें एक तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल को डिमोटिवेट करके उनको किसी ना किसी एक स्पोर्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है, उनको फ्रेश हेल्दी फूड खिलाना है। जिन फैमिलीज में हार्ट अटैक या सडन कार्डियक डेथ्स की हिस्ट्री है, उनमें हमें बच्चों की स्क्रीनिंग अर्ली एज ग्रुप से करवानी है। इन मामलों के अलावा भी ऐसे केस और भी देखे गए हैं, ऐसे में बच्चों का भी दिल की बीमारियों से बचाव करना जरूरी है। डॉक्टरों के मुताबिक कुछ मामलों में बच्चों को जन्म के साथ ही दिल की बीमारियां हो जाती हैं। कई मामलों में तो पेरेंट्स को ये पता ही नहीं चल पाता है कि बच्चे को ये दिल की बीमारी है। बच्चों में दिल की बीमारी के लक्षण दिखें तो क्या करें? जन्म के समय या कुछ दिन बाद ही बच्चे की हार्ट से संबंधित सभी जांच कराएं। बच्चे के सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत अस्पताल लेकर जाएं। पढ़ाई या किसी दूसरे तरह के तनाव दूर करने को लेकर बच्चों से बातचीत करें। बच्चों की लाइफस्टाइल बेहतर बनाएं, खासकर जंक फूड बिल्कुल भी ना खाने दें। बच्चों को बाहर खेलने के लिए प्रोत्साहित करें, खासकर सुबह और शाम ग्राउंड और पार्क में खेलने बच्चे जाएं। तनाव के मुख्य कारण हैं, उनमें से एक है एकेडमिक स्ट्रेस, जो उनकी जो परफॉर्मेंस है उससे रिलेटेड, उनके करियर से रिलेटेड, कि हमें एग्जाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का है, तो एक स्ट्रेस तो वो होता है। दूसरा सोशल स्ट्रेस होता है कि समाज में हमें लोग एक्सेप्ट करेंगे, हम जैसे हैं वैसा हमें एक्सेप्ट करें, और सोशल जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी तनाव का कारण बन सकती हैं। दूसरा जो अन्य कारण है उसमें फैमिली या पारिवारिक जो स्ट्रेस है वो भी एक रीज़न रहता है कि परिवार के लोग कैसे आपसे पेश आते हैं या घर में माहौल कैसा है, कहीं पेरेंट्स के बीच में कोई तनाव लड़ाई झगड़ा या इस तरह की चीज़ें तो नहीं हैं, ब्रोकन फैमिलीज हैं या जो वैल्यूज़ हैं या जो एक्सपेक्टेशंस हैं बच्चे से, पेरेंटिंग का स्टाइल कैसा है, इस पे भी डिपेंड करता है। एक अध्ययन के अनुसार भारत में 3 करोड़ से ज्यादा लोग दिल से जुड़ी बीमारियों की चपेट में हैं। इस देश में प्रत्येक 3 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हार्ट अटैक से हो रही है। इसमें 50% लोग 50 साल से ज्यादा वाले हैं, 25% लोग 40 साल की उम्र वाले हैं, लेकिन 20 साल से कम उम्र के बच्चों में हार्ट अटैक के जानलेवा प्रहार ने हर माँ बाप को खौफ जदा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और अब स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे बारिश से हाहाकार की, क्योंकि पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश आफत बनकर टूट रही है। पूर्वोत्तर से लेकर महाराष्ट्र बारिश ने कहर बरपा रखा है। उत्तराखंड में बारिश के दौर के बीच आज भी कुमाऊं के सभी जिलों के लिए तेज बारिश का अलर्ट है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। कुदरत का गुस्सा ऐसा कि मच गई चीख पुकार, कहीं फटे बादल, कहीं पहाड़ तोड़ बारिश, कहीं टूटा पहाड़ तो कहीं मुसीबत बादल फाड़। महाराष्ट्र से उत्तराखंड तक भारी बारिश से हाल बेहाल है। बारिश कई शहरों में कहर बरपा रही है। मुंबई के पास मौजूद रायगढ़ किले में कल हुई जोरदार बारिश वहां पहुंचे पर्यटकों के लिए बला बन गई। सामने आए वीडियो में भयानक मंजर नजर आया। भारी बारिश की वजह से किले की सीढ़ियों तक पानी आ गया। पानी के बहाव ने लोगों की सांसें अटका दी। कई सैलानियों की जिंदगी मुश्किल में फंस गई।
ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने डैम के फाटक खोल दिए हों। लोग किसी तरह कोने में जगह देखकर छिपे रहे। जरा सी चूक होती तो पानी के साथ बहती मौत का सामना हो सकता था। ऐसे सैलाब का सामना करने के लिए लोग एक दूसरे का हाथ थामे नजर आए। राहत की बात रही कि वक्त रहते सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। महाराष्ट्र के बुलढाणा में बारिश का पानी इतना जमा हो गया कि बाढ़ जैसे हालात बन गए। जो तस्वीरें सामने आई उसमें एक कार पानी के तेज बहाव में बहती हुई दिखाई दी और देखते ही देखते पानी के इस बहाव में एक दुकान भी बहती हुई दिखाई दी। बारिश ने मुंबई में उथल पुथल मचा दी है। 6 घंटे में मुंबई में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भरा है। स्कूटर और छोटी गाड़ियां तो क्या, बसों और ट्रक तक के चक्के जाम हो गए हैं। मुंबई गोवा हाईवे तो 12 घंटे से ज्यादा देर से बंद पड़ा है। पटरियों पर भी पानी जमा है, कई ट्रेनें ठप पड़ी हैं, तो कहीं कहीं मजबूरी में पानी से भरी पटरी पर ही ट्रेन दौड़ानी पड़ रही है। कई इलाकों में बसों का रूट भी डाइवर्ट किया गया है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बारिश की वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर 27 उड़ानें डाइवर्ट करनी पड़ी हैं। नदियां उफान पर हैं, रास्ते जाम हो गए हैं, पुल टूट रहे हैं। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में बारिश से हाय तौबा मची है। इस बीच हल्द्वानी से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। अचानक हुई बारिश के बाद पहाड़ों से सैलाब उतर आया था। इस बात से बेपरवाह मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग इस सैलाब को पार करने की कोशिश करने लगे। इस मंजर को देखने वाले दहल गए। पलक झपकते ही ये मोटरसाइकिल सवार उफनती धारा की चपेट में आ गए। पलभर में समूची मोटरसाइकिल समेत दोनों बहने लगे। मौके पर चीख पुकार मच गई। गनीमत इस बात की रही कि दोनों मोटरसाइकिल सवार सैलाब में समाने से बच गए। सैलाब का अटैक क्या होता है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। कल तक ये पुल लोगों के आने जाने का साधन था, पलभर में उफनती धारा की चपेट में आकर खंड खंड हो गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में इतनी बारिश हुई कि ये पुल से झेल नहीं पाया। रामनगर से अल्मोड़ा को रानीखेत से जोड़ने वाला पुल काफी अहम था। उधर उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। इस बीच गंगा के तेज बहाव के बीच एक महिला पानी में फंस गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बीच बाहर निकाला। आसमान से बारिश के साथ बिजली भी काल बनकर बरस रही है। पिछले 24 घंटे में बिहार में बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं यूपी के जौनपुर में बिजली गिरने से एक महिला बुरी तरह झुलस गई और 2 लोगों की जान चली गई। और मॉस्को में फाइनल नया वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुप्रतीक्षित रूस यात्रा का आगाज हो चुका है। भारत और रूस के बीच रिश्ते नए आयाम गढ़ने जा रहे हैं। भारत और रूस दोनों के लिए 2024 की मोदी पुतिन मुलाकात का क्या है बड़े मायने, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस के सर्द मौसम में रिश्तों की ये नई गर्मी है। ये खड़ी ऑल वेदर फ्रेंड से मुलाकात की है। टेस्टेड एंड ओके रिलेशनशिप का ये नया चैप्टर है। मॉस्को में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुप्रतीक्षित यात्रा का आगाज हो चुका है। सैनिक सलामी है, रेड कारपेट वेलकम है, 2 मजबूत देशों के 2 मजबूत नेताओं का महामिलन है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए एयरपोर्ट पर ही रिसेप्शन का इंतजाम किया गया। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक मेल का नमूना देखिए। रूसी आर्टिस्ट गुजराती गरबा कर रहे हैं। मॉस्को में तिरंगा पूरे आन बान शान से लहरा रहा है। इस्तकबाल हो तो ऐसा, स्वागत हो तो ऐसा,
दशकों पुरानी दोस्ती नया परवाज भर रही है। ये यात्रा कितनी खास है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तीसरे चरण में द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से पीएम मोदी ने सबसे पहले रूस को चुना। दौरा दो दिनों का है, 8 और 9 जुलाई, लेकिन इस दौरान भारत और रूस के बीच कई नई लकीरें खींची जानी हैं, कई नए समझौते हो सकते हैं, कई बड़े मुद्दों पर आपसी समझ साफ हो सकती है, कई रुके और मंद पड़े सौदे गति पकड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है भारत और रूस दोनों के लिए 2024 की मोदी पुतिन मुलाकात के क्या हैं बड़े मायने। मायने का मतलब समझने से पहले इस वक्त भारत और रूस की परिस्थितियों को समझना बहुत जरूरी है। रूस इस समय युद्ध में फंसा हुआ है, रूस कई तरह के प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। दूसरी ओर पीएम मोदी हैं जो आपदा को अवसर में बदलने की क्षमता से लैस हैं। सबसे पहले चर्चा उन मुद्दों की जो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के मुलाकात के दौरान बातचीत का हिस्सा हो सकते हैं। पहला मुद्दा है दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन का। रूस के साथ भारत का व्यापार घाटा लगातार दूसरे वर्ष बढ़ते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 57 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। रूस अब चीन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा आयात साझेदार भी हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक रूस के साथ व्यापार घाटा भी चीन के साथ सबसे उच्च स्तर पर है। दूसरा मुद्दा है पेट्रोलियम उत्पादों के आयात का। यूक्रेन युद्ध के बाद चीन के बाद भारत रूस से तेल खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। रूस भारत के लिए कच्चा तेल निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। तेल और प्राकृतिक गैस से भरपूर रूस भारत के लिए इस लिहाज से बहुत काम का है। तीसरा मुद्दा है एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की सप्लाई का। इसे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है क्योंकि भारतीय सेना के 70% हथियार, वायुसेना के 80% सिस्टम और नौसेना के 85% प्लेटफॉर्म सोवियत संघ द्वारा दिए गए थे। भारत का पहला विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य 2004 में रूस से प्राप्त किया गया था, जो इन संबंधों की मजबूती का प्रमाण है। लिहाजा मोदी पुतिन की मुलाकात में इस 400 मिसाइल सिस्टम की 2 यूनिट में देरी का मुद्दा प्रमुखता से उठ सकता है। अस्ताना में हुए शंघाई सहयोग सम्मेलन में भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ और जोरदार तरीके से इसे उठाया था। अब बताया जा रहा है कि खुद पीएम मोदी पुतिन के सामने ये मुद्दा उठा सकते हैं। अक्टूबर 2018 में भारत ने इस 400 मिसाइल प्रणाली के लिए रूस के साथ 5.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत ने रूस से 5 स्क्वाड्रन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा। रूस ने अभी तक केवल 3 ही भारत को दिए हैं और बाकी S-400 सिस्टम साल 2025 में देने की बात कह रहा है। यूक्रेन युद्ध में बुरी तरह से फंसे होने की वजह से इसकी आपूर्ति पर सवाल उठ रहे हैं। चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरे के बीच भारत को इस 400 की सख्त जरूरत है, लेकिन रूस इसे नहीं दे पा रहा है। पीएम मोदी और पुतिन के बीच इस 400 के भारत में को प्रोडक्शन और मरम्मत की सुविधा को लेकर बातचीत हो सकती है। दोनों देशों के बीच भारत में ही इसे रिपेयर करने के लिए एक समझौते पर सहमति बन गई है। भारत में इसके उपकरण भी बन सकते हैं। भारत चाहता है कि उसे इसके रिपेयर में आत्मनिर्भरता रहे। रूस वर्तमान में भारत के कुल हथियार आयात में लगभग 47% हिस्सेदारी रखता है। भारत की थल सेना में T-72 और T-90 जैसे रूसी टैंकों और इसके जमीनी हमलावर विमान बेड़े में MiG-21, Sukhoi-30 और MiG-29 विमानों के वेरिएंट अहम भूमिका रखते हैं। भारत का ब्रह्मोस मिसाइल रूस के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यही नहीं, भारत की आधी से अधिक पारंपरिक पनडुब्बियां सोवियत डिजाइन की हैं। चौथा मुद्दा है रूसी सेना में भर्ती भारतीय नागरिकों की वापसी का। एक अनुमान के मुताबिक 30 से लेकर 40-45 तक की तादाद में भारतीय नागरिकों को गुमराह करके झूठे बहाने से रूसी सेना में काम करने के लिए भेजा गया है।
हालांकि इनकी संख्या बता पाना मुश्किल है। इनमें से 10 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। लेकिन रूस की सेना में शामिल 2 भारतीयों की मौत की भी सूचना है। सवाल है कि रूस ऐसा कैसे कर सकता है। ये ऐसा सवाल है जो पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के मुलाकात के दौरान उठ सकता है। और जाहिर तौर पर 5वां मुद्दा है रूस यूक्रेन युद्ध का। भारत ने यूक्रेन युद्ध पर एक संतुलित नीति अपनाई है। भारत ने इस संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान निकालने की वकालत की है और रूस की आलोचना करने से भी परहेज किया है। ये नीति भारत को अपने विदेश नीतिगत हितों को संतुलित करने में मदद करती है बिना किसी पक्ष को नाराज किए। मोदी पुतिन मुलाकात, चीन की जलन। रूस और भारत के संबंधों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि रूस और चीन के बीच की दोस्ती बढ़ रही है जो भारत का मुख्य प्रतिद्वंद्वी है। इस त्रिकोणीय रिश्ते की जटिलता तब और साफ हो गई जब पीएम मोदी ने शंघाई सहयोग के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बजाय विदेश मंत्री एस जयशंकर को कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई बैठक में भेजा। इस बैठक में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल थे। ये तथ्य है कि रूस चीन के करीब आ रहा है। रूस को चीन की जरूरत भी है लेकिन इसी के साथ रूस कभी नहीं चाहेगा कि भारत के साथ उसके रिश्ते खराब हो। यही वजह है कि रूस के राष्ट्रपति मॉस्को के बाहरी इलाके में अपने ढांचा यानी हॉलीडे होम के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले घर में प्राइवेट डिनर पर पीएम मोदी की मेजबानी कर रहे हैं। और इधर चीन और पाकिस्तान के डरने की एक बहुत बड़ी वजह सामने आ गई क्योंकि जोरावर आ चुका है। जोरावर भारत का नया टैंक है जिसे लद्दाख और कश्मीर फ्रंट पर गेम चेंजर माना जा रहा है और इसी से चीन और पाकिस्तान दोनों डरे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। 90 और T-72 के मुकाबले ज्यादा फुर्तीला है। ये आराम से पहाड़ पर चढ़ सकता है और नदी को पार कर सकता है। जोरावर टैंक 25 टन का है। इसके मुकाबले में T-72 टैंक 46 टन का है जबकि T-90 48 टन का है और अर्जुन टैंक 60 टन का बनाया गया है। यही वजह है कि जोरावर को खास लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड फ्रंट में ऑपरेट करने के लिए तैयार किया गया है। कम वजन होने की वजह से ये मुश्किल पहाड़ी इलाकों में आराम से दौड़ेगा। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैंक्स। देयर आर 3 कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन द वेट। The heavy tanks, the medium tanks, and the light tanks. Each one has got its own role. One is for protection, one is for offense, and these light tanks play a mixed role for both. So, if you see in a light tank, there are many players in the world who are making light tanks. Zorawar tank ka naam 19th sadi ke Dogra General Zorawar Singh ke naam par rakha gaya hai, jinhone Ladakh aur Tibet mein kai operation ka netritu kiya tha. अभी इस टैंक का प्रोटोटाइप तैयार किया गया है और अगले कुछ सालों तक इसके पहाड़ से लेकर रेगिस्तान और दलदली इलाकों में ट्रायल होंगे और उसी के बाद नई जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जोरावर का उत्पादन शुरू होगा। सेना में शामिल करने के लिए 2027 तक का वक्त दिया गया है। भारतीय सेना ने शुरुआत में सिर्फ 59 जोरावर टैंकों का ऑर्डर दिया है, बाद में 295 और टैंक खरीदे जाएंगे। जोरावर की टक्कर इस वक्त चीन के मौजूदा हल्के पहाड़ी टैंक ZTQ टाइप 15 से है। चीन का ZTQ टाइप 15 टैंक भारत के लिए बड़ी चुनौती है। चीन ने इस टैंक को बनाकर यह सिग्नल दे दिया है कि तिब्बत फ्रंट पर वो टैंक वाला युद्ध करने में हिचकिचाएगा नहीं। भारत के 2 पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान की कारस्तानियों का लेखा जोखा धोखे वाला है। चाहे चीन हो या पाकिस्तान, दोनों से युद्ध की सूरत में ये टैंक की भारतीय जवानों के पास सबसे बड़ी ताकत होंगी। अब जोरावर के साथ चीन को बड़ा चैलेंज दे दिया गया है। There are the Western tanks, the Russian tanks, Chinese tanks, the Chinese type 15 tanks, which is right now being deployed. But what is unique is of this tank is the weight, as well as the combination of the fundamental parameters of a tank, which is the firepower, mobility, and protection. All 3 are optimized in such a way that the weight is also maintained. At the same time, you're getting all the parameters also. असल में भारत के पास 3 प्रमुख टैंक हैं, T-72, T-90 और अर्जुन टैंक। इन
और स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, और आप देख रहे हैं भारत प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल, और इसी के साथ 10 बजे जरूर देखिए मारो राजस्थान।